तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 40, तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन गिवन है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। बॉडी जिसका मास गिवन है, केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी एक पॉइंट मास है और वो सर्कल में घूम रही है, एक पॉइंट मास इन अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो मास गिवन है और रेडियस गिवन है, तो आई की वैल्यू आपको पॉइंट मास के लिए क्या निकालनी है, एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये रहा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे हैं, और आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, एम की वैल्यू दोनों पार्टिकल्स की गिवन है, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी गिवन है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है। तो आर गिवन है, तो ये कितने हैं आर बाई टू, ये कितने हैं आर बाई टू, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट मास का, हाइड्रोजन एटम इज अ पॉइंट मास, ये कोई रॉड नहीं है, तो पॉइंट मास का एम इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, और ऐसे ही दूसरे पार्टिकल का भी एम इंटू आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो इन्हें ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा कोई डाउट है इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीन पार्टिकल्स हैं, 10 ग्राम मास गिवन है, पॉइंट मास, पार्टिकल मीन पॉइंट मास है, लोकेटेड एट इक्विलेटरल ट्रायंगल, आज हमने किया भी था, तो एम 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 केजी में कन्वर्ट कर लेना, साइड आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, एल 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 मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल। एक कॉर्नर ले लिया, इसके अबाउट आपको आई बताना है, लेकिन ये एक्सिस ध्यान से ऐसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, प्लेन ऑफ द ट्रायंगल ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसके अबाउट निकालना है। तो अगर कोई भी एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके अबाउट, तो इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, जीरो, इसका क्या होगा एम एल स्क्वायर, इसका क्या होगा एम एल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, जीरो प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। एम और एल की वैल्यू को पुट कर लेना है सिस्टम में कन्वर्ट करके, आई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है यहाँ, तो एक्सिस बड़े ध्यान से पढ़ना है, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बोर्ड के अंदर जाएगा, इसका मतलब प्लेन ऐसा है तो बोर्ड के अंदर जाएगा। ठीक, थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर, आपको इस क्वेश्चन में चार पॉइंट मासेस गिवन है, एम 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 और एम वैल्यू गिवन है, इसे सीजीएस में काम किया है लेकिन मैं एसए में करना पसंद करता हूँ, एसए में मास को केजी में कन्वर्ट कर लेना, साइड भी गिवन है मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद साइड बीसी, कहां पे है बीसी, ये रहा बीसी, ये रहा बीसी, ये रहा एक्सिस, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट मास का कितना जीरो, इस पॉइंट मास का कितना जीरो, इस पॉइंट मास का कितना m into distance का square, इसका कितना m into distance का square, add करके answer, ठीक है? Second part है, about an axis passing through a, okay, यहाँ से pass करवाने, perpendicular to the plane of the square, अब axis कहाँ से pass हो रहा है, ऐसे, perpendicular, तो इस particle का क्या, zero, इसका कितना mr square, इसका कितना diagonal निकालना पड़ेगा root 2l से, तो इसका कितना m into डिस्टेंस स्क्वायर, इसका कितना एम इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि आपको कौन से डिस्टेंस लेने हैं एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो यहां से एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर हो जाएगा सॉल्व। ठीक है यहां तक, कैसे सोचना समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट तो पॉइंट मासेज हैं, ये तीन पॉइंट मासेज हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायग्राम. तो एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, ए से, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब ऐसे. तो इस पार्टिकल का आई क्या है यहाँ पे, जीरो. इस पार्टिकल का क्या है, एम इन टू आर का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है. तो इस पार्टिकल का क्या है, दिस इन टू दिस स्क्वायर. तो ऐड कर लेना आंसर, एक आंसर. और क्या निकालना है, अबाउट एन एक्सिस अलोंग बीसी. चलो ठीक है, फिर बीसी ले लेते हैं. अगर ये एक्सिस है तो चलो इन दोनों का क्या हो गया, जीरो. इसका क्या हो गया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. आंसर नेक्स्ट. थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट द लाइन ए एक्स. तो ए एक्स ये रहा ऐसे. तो इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, जीरो. इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर. और इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू. तो आंसर
m into l by 2 का whole square, और इसका कितना था m into l का square, इसका तो 0 है, तो total i can be calculated. तो समझ में आ रहा है कैसे करना है. तो NCERT के basic point marks के questions हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ठीक, next square वाला question कर लिया हमने. Ring आ गया, ring moment inertia of a ring जिसका mass given है, radius given है, about an axis passing through center and perpendicular to the plane, तो क्या आएगा mr square. Also find moment inertia about the parallel axis through its edge, ये रहा edge, तो बोलो क्या आएगा इसमें. I का formula theorem of parallel axis से mr square plus mr square, तो total answer क्या आएगा 2 mr square. क्या है point clear है यहाँ तक. ठीक, ठीक है. नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास गिवन, रेडियस गिवन, अबाउट द डायमीटर ऑफ द डिस्क. देखो डायमीटर का फॉर्मूला हमने किया था 1/4 एम आर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट. एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क एंड पैरेलल टू द डायमीटर, तो ये डायमीटर है 1/4 एम आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है और ये टेंजेंट है, तो 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या आएगा 5/4 एम आर स्क्वायर. ठीक, और पर लास्ट है एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है इसके सेंटर से, तो क्या आएगा हाफ एम आर स्क्वायर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक. ठीक, ठीक है.